कटिहार प्रखंड के हसनगंज में भावाड़ा पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोखरिया संथाली में शनिवार को प्रधानाध्यापक पर मनमानी का आरोप लगाते हुए विद्यालय में भूमिदाता के नाम को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने विद्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। समस्या तो यहाँ पे यानी कि कई वर्षों से ही हो रही है, लेकिन इसका निदान नहीं हो रहा है। अब जैसे भूमिदाता कोई है, लेकिन यहाँ दीवार में कहीं लिख देता है दूसरे का नाम। परेशानी यह है कि मामला यह है कि एक तो लॉकडाउन से विद्यालय बंद था, विद्यालय बंद के दरमियान प्रधानाध्यापक द्वारा जो है दीपनारायण गुप्ता का नाम भूमिदाता के रूप में लिख दिया गया है, जबकि यह भूमि बिहार सरकार की है। इसका खुद डॉक्यूमेंट्स जो है अभी भी प्राचार्य महोदय के पास है, यह जमीन बिहार सरकार का है। अभी भी स्कूल के नाम से इनका जो है मोटेशन वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि जब विद्यालय बिहार सरकार के आम खास भूमि के अंतर्गत आता है तो फिर भूमिदाता के रूप में किसी व्यक्ति विशेष का नाम क्यों लिखा गया है। वहीं कई स्थानीय लोगों ने विद्यालय में लिखे हुए भूमिदाता के नाम को लेकर प्रधानाध्यापक से संबंधित दस्तावेज सहित कागजात की मांग करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति का नाम भूमिदाता के रूप में लिखा गया है, अगर उसने विद्यालय में जमीन दान दिया है तो फिर उसका कोई दस्तावेज प्रधानाध्यापक दिखाएं। लोगों ने प्रधानाध्यापक पर अपनी मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विद्यालय संबंधित बैठक और कोई कार्यक्रम में भी लोगों को नहीं बुलाया जाता है। जबकि इस मामले को लेकर प्रधानाध्यापक अजय कुमार का कहना है कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप निराधार है, उनके द्वारा कुछ भी नया नहीं लिखाया गया है। पहले से भूमिदाता का जो नाम अंकित था वही लिखा जा रहा है। ये पूर्व से ही है, हमसे पहले जो प्रधानाध्यापक थे वो कमेटी का गठन हुआ था, कमेटी गठन में पूर्व से ही नाम चला रहा है, इसमें हमने कुछ नया नहीं किया। पूर्व से है, जो पुरुष था वही उसको उतार दिया गया, क्योंकि जब कमेटी का गठन हुआ था उसमें भूमिदाता का नाम के बारे में बताया गया था, तो सारे कमेटी के लोग बोले थे जो पुरुष से चला आ रहा है वही रहेगा, इसलिए उसका नाम है एज वेल जैसे था वैसे है, इसमें कोई नई बात नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा अगर ग्रामीणों को किसी प्रकार की आपत्ति है तो इसका निराकरण आम सभा करके निकाल लिया जाए। मुकेश कुमार, टाइम्स न्यूज़, हसनगंज।